एक सवाल पूछा गया है कि ज्वेलरी पे जकात देनी होती है क्या? जी हाँ, ज्वेलरी पे जकात देनी होती है। असल में ये सवाल क्यों पूछा गया? सवाल इसलिए पूछा गया कि बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि जो इस्तेमाली जेवरात होते हैं, ख़वातीन जो जेवरात इस्तेमाल करती हैं, तो उन जेवरात पर जकात नहीं होती। तो ये बात बिल्कुल गलत मशहूर है और ये बाज़ लोग ये कहते हैं, लेकिन ये खिलाफ शरीयत बात है। असल बात यह है कि जेवरात चाहे बेचने के लिए रखे हों, चाहे इस्तेमाल के हो, चाहे बगैर इस्तेमाल के, बॉक्स के अंदर, आपने सूटकेस के अंदर, अलमारी के अंदर, या आपने अपनी तजोरी और अपने अटैची केस के अंदर और कोई ब्रीफ केस वगैरह के अंदर रखा हुआ है, किसी भी जगह पर आपने रखा हो, तो याद रखिए कि उन तमाम जेवरात पर शरअन ज़कात वाजिब है। हाँ, ये एक बात ज़रूर है कि वो जो जेवरात हैं, उन जेवरात की शरई एतबार से देखा जाए कि मकदार कितनी है। अगर तो सोना है, सिर्फ सोना है, उसके साथ पैसा कुछ भी नहीं है, चांदी बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ सोना है, तो याद रखिए सोने पर उस वक्त तक जकात नहीं आती जब तक कि वो 7.5 तोला ना हो जाए। अब अगर किसी के पास 7.5 तोला या उससे ज्यादा सोने की मकदार है तो जकात आएगी। और अगर कुछ सोना है, कुछ चांदी है, या कुछ सोना है, कुछ नकद रकम है, तो फिर याद रखें कि इस सोने को, इस चांदी को, या सोना चांदी या सोना और पैसा, इनको मिलाकर अगर इनकी मजमूई मालियत 52.5 तोला चांदी के बकदर बनती है, यानी तकरीबन कोई 48,000-50,000 रुपए के बकदर, अगर इतनी मकदार का वो जेवर बनता है, तो ऐसी सूरत में उस जेवर पर शरण जकात आएगी, चाहे वो इस्तेमाली जेवर हो और चाहे इस्तेमाल के अलावा जेवर हो। www.darsquran.com